स्वागत है आपका मनी स्टिचिंग सेंटर में एक बार फिर से। आज हम टाइप नंबर 7 को पढ़ाने जा रहे हैं रेशियो का। इससे हम पहले टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5, टाइप 6 तक पढ़ा चुके हैं। तो वैसे छात्र एवं छात्राएं जो अभी तक मेरा टाइप 1, 2, 3, 4 और 5 को नहीं पढ़ाई किए हैं, तो सर्वप्रथम इस वीडियो को रोक करके टाइप 1, 2, 3, 4, 5, 6 को पढ़ाई कर लें। उसके बाद ही टाइप नंबर 7 आपको समझ में आएगा, क्योंकि अगर पूरा पढ़ा हुआ रहेगा तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा देखने भी और पढ़ने भी मज़ा आएगा। तो आपकी सभी के सभी प्रश्न आपका रेशियो से संबंधित जितना भी है सबका सब हल हो जाए। और हाँ, वैसे छात्र एवं छात्राएं जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सर्वप्रथम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे। चलिए समय को ज़्यादा बर्बाद नहीं करते हैं और इसे लेकर चलते हैं। हमारे सामने पहला प्रश्न आपका आ गया है, कह रहा है मिश्रण से संबंधित प्रश्न आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। मिश्रण से संबंधित प्रश्न पढ़ाने जा रहे हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है, कहता है एक बोतल है, पहले एक बोतल है जिसमें दूध और पानी का मात्रा दे रखा है। एक बोतल है जिसमें दूध और पानी का मात्रा दे रखा है, जिसमें दूध है 2 लीटर तो पानी है 3 लीटर। दूध और पानी का अनुपात दे रखा है 2:3 के अनुपात में दे रखा है। एक और दूसरा बोतल है, कहता है पहला बोतल था जिसमें दूध और पानी 2:3 के अनुपात में था, और दूसरा बोतल है जिसमें यह अनुपात 1:4 के अनुपात में हो जाता है। कहता है यह अनुपात 1:4 के अनुपात में हो जाता है। कहता है यदि दोनों बोतल की मात्रा समान हो और उन्हें मिला दिया जाए तो उसमें दूध और पानी की मात्रा क्या होगी। यही जो है, देखिए वर्ण से समझ लीजिएगा प्रश्न, क्योंकि ये प्रश्न को यदि आप समझ लेते हैं तो आपको मिश्रण से संबंधित प्रश्न में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। सिर्फ ये प्रश्न की हम बात बोल रहे हैं, बढ़िया समझ लीजिएगा। कह रहा था एक बोतल है जिसमें दूध और पानी की मात्रा दे रखा है, दूध दे रखा है 2 लीटर तो पानी दे रखा है 3 लीटर दे रखा है, और एक और बोतल है जिसमें दूध और पानी की मात्रा दे रखा है 1 लीटर अगर दूध है तो 4 लीटर पानी है। कहता है यदि दोनों बोतल को समान समान मात्रा में मिला दिया जाए तो उसमें दूध और पानी की मात्रा क्या होगा। देख लीजिएगा, पहला प्रकार का बोतल था उसमें 2:3 के अनुपात में था, दूसरा जो था 1:4 के अनुपात में था। हमें अब प्रश्न से मतलब नहीं है, इतना प्रश्न से मतलब है, सिर्फ इतना से हमको मतलब है। कैसे, जो देखिएगा पहला बोतल में दूध की मात्रा कितना लीटर है, तो 2 लीटर है। कितना में देखिएगा, मिश्रण देखेंगे। अगर किसी एक गैलन है, सपोज यदि ये गैलन हम मान लेते हैं, और इसमें 2 लीटर दूध है और 3 लीटर पानी है, तो टोटल मिश्रण की संख्या तो 5 लीटर हो जाएगा ना। लेकिन मिश्रण की संख्या तो 5 लीटर हो जाएगा, वहां पे बेचने के लिए जाइएगा तो 5 लीटर का दाम देगा, पर अगर उसको लैक्टोमीटर के द्वारा निकाला जाएगा उसमें दूध की मात्रा कितना आ जाएगा, सिर्फ 2 लीटर आएगा। 2 लीटर आएगा कितना में आएगा, तो टोटल है 5 लीटर। 5 लीटर में दूध जो आ जाएगा 2 लीटर आ जाएगा। पहला प्रकार का बोतल है, 5 लीटर में 2 लीटर दूध आ जाएगा, और दूसरा प्रकार का जो बोतल है इसमें भी मिश्रण कितना हो जाएगा, तो 5 लीटर हो जाएगा, लेकिन दूध की मात्रा कितना हो जाएगा, 1 लीटर होगा दूध की मात्रा, लेकिन कितना में होगा, तो 5 लीटर में होगा। देख लीजिएगा, ये दूध का तो दोनों तरफ ले लिए, पहला जो था मिश्रण टोटल के टोटल हो रहा था 5 लीटर, लेकिन 5 लीटर में दूध की मात्रा सिर्फ 2 लीटर है, दूध की मात्रा सिर्फ 2 लीटर ले लिए। यहाँ पर भी टोटल मिश्रण 5 लीटर है, लेकिन यहाँ पे दूध की मात्रा सिर्फ 1 लीटर है, आप 1 लीटर ले लिए तो ये हमारा दूध निकल गया। इसी प्रकार से हम पानी ले लेंगे, तो पानी के लिए यहाँ पर देखेंगे, देखिएगा पहला ये है बोतल है और दूसरा बोतल ये है, यहाँ भी 5 लीटर है, लेकिन यहाँ पे पहले वाला में 5 लीटर तो मिश्रण हो गया, लेकिन पानी कितना लीटर है, तो 3 लीटर है। पानी हमारा 3 लीटर है, कितना में 3 लीटर है, तो 5 लीटर में 3 लीटर है, और दूसरे में देखा जाएगा तो पानी जो है 4 लीटर होगा, लेकिन कितना में, 5 लीटर में होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दूध होगा 2 लीटर होगा, कितना में टोटल मिश्रण होगा 5 लीटर,
यहाँ पे दूध होगा 1 लीटर, मिश्रण होगा 5 लीटर, यहाँ पे पानी होगा 3 लीटर, मिश्रण होगा 3 × 5 लीटर, पानी होगा 4 लीटर, मिश्रण होगा 5 लीटर। और यहाँ पे दूध वाला को दूध वाला के साथ में जोड़ देंगे, पानी वाला को पानी वाला के साथ में जोड़ दीजिएगा, आंसर देखिए 5 और 5 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, अनुपात यहाँ पे 5 और 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 5 से 5 खत्म हो गया, तो यहाँ पे हो गया 2 × 1 = 3 हो गया, यहाँ 2 × 1 = 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 × 3 = 7 हो जाएगा, हमारा यही आंसर हो जाएगा। बढ़िया से देख लीजिएगा और फिर से आपको समझा देते हैं क्योंकि प्रश्न आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न आपको एग्जाम में रेलवे में बहुत ज्यादा बार पूछता है, पहले समझ लीजिएगा एक बार फिर से। यहाँ पे दूध हो जाएगा 2 लीटर हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा 5 लीटर, तो 2/5 ले लिए, यहाँ पे दूध हो जाएगा 1 लीटर, मिश्रण हो जाएगा 5 लीटर, 5 लीटर दे दिए, यहाँ पे पानी हो जाएगा 3 लीटर, मिश्रण हो जाएगा 5 लीटर, 3/5 ले लिए, यहाँ पे पानी हो जाएगा 4 लीटर, मिश्रण हो जाएगा 5 लीटर, 4 × 5 है। बस इसी प्रकार से आपका आगे का भी प्रश्न लेके चलते हैं, आगे का प्रश्न आप देखिए कैसे है जो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके बोर्ड पे आ चुका है, इसके लिए देखते हैं। कहता है समान मात्रा वाले दो बर्तन जिसमें स्प्रिट और अल्कोहल दिया हुआ है कि मात्रा का अनुपात क्रमशः 7:4 है, मतलब यहाँ पे स्प्रिट 7 है तो अल्कोहल 4 हो गया, और दूसरा बर्तन है जिसमें 8:11 दिया हुआ है। कहता यदि इस दोनों बर्तन के मिश्रण को एक तीसरे बर्तन में डाल दिया जाए तो इसका अनुपात क्या होगा, इन दोनों बर्तन के मिश्रण को एक तीसरा बर्तन में डाल देंगे तो इसका मिश्रण क्या होगा। तो देख लीजिएगा हमारा स्प्रिट दिया हुआ यहाँ पे 7 दिया हुआ है, स्प्रिट हमारा यहाँ पे दिया हुआ 7 दिया हुआ है, लेकिन मिश्रण कितना हो जाएगा 7×4 = 11 हो जाएगा। बढ़िया समझिएगा, यहाँ पर स्प्रिट दे रखा था 7, मिश्रण हो जाएगा दोनों मिला, मिश्रण के मतलब सभी मिला हुआ, तो 7×4 = 11 हो जाएगा, यहाँ पे स्प्रिट हो जाएगा 8 और मिश्रण हो जाएगा 11×8 = 19। अब देखिएगा यहाँ पे अल्कोहल हो जाएगा 4 और मिश्रण हो जाएगा 7×4 = 11, 4×11 प्लस यहाँ पे अल्कोहल हो जाएगा 11 और मिश्रण हो जाएगा 19, 11/19 इतना का जो सॉल्यूशन करिएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा देखिएगा 19 × 33 = 133 प्लस 1 × 8 = 88 हो जाएगा। अब देखिएगा हम यहाँ पे ले लिए थे गुणनखंड हो गया था इसका ले लिए थे, यहाँ 11 × 19 = 11 × 19 तो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा कितना हमारा यहाँ आ जाएगा 19 × 76 और 11 × 11 कर देंगे तो 121 जोड़ दीजिए वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 133 और 88 को जोड़ देंगे तो 8×3 = 11 के 1 = 1, 8×1 = 9 और 13×10 = 23 में से 1 गया तो बच गया 22, 221 अनुपात 76 को जोड़ दें कितना हो जाएगा 6×7 = 12×7 = 19 कटेगा नहीं, 9×10 = 17 नहीं कटेगा। तो यहाँ पे बस यही काम करना है, क्वेश्चन आप देख लीजिएगा कितना बड़ा है, सॉल्यूशन आपका सिर्फ एक स्टेप में होगा, ये आपका गुना भागा तो फिर करना, यहाँ पे कुछ नहीं किए हैं। देख लीजिएगा यहाँ पे स्प्रिट 7 था, मिश्रण हो जाएगा 7×11, स्प्रिट ले लिए 7, मिश्रण हो गया 11, स्प्रिट हो जाएगा 8, मिश्रण हो जाएगा 11×8 = 19, 8/19, अल्कोहल हो जाएगा 4, मिश्रण हो जाएगा 11, 4/11, अल्कोहल हो जाएगा 11 और मिश्रण हो जाएगा 19, 11/19, यहाँ पर भीम का जोड़ ले लिए जो हमारा सॉल्यूशन आएगा यही हो जाएगा। आप देख लीजिएगा सॉल्यूशन कहीं पे गलत रहेगा तो उसको देख लीजिएगा आप खुद भी कर करके, क्योंकि सॉल्यूशन में भी एक हो सकता है जोड़ने घटाने में थोड़ा बहुत गलत हो, वैसे गलत नहीं है लेकिन आप फिर भी देख लीजिएगा। चलिए इसी प्रकार से और भी हम क्वेश्चन लेकर चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है जो चलिए कहता है समान भारी ए बी सी 3 समान धारिता वाले में
दूध और पानी का अनुपात। देखिएगा ए बी सी तीन समान बोतल है जी, यहाँ पे दिया हुआ तीन समान धारिते वाले बोतल में दूध और पानी का अनुपात है 2:3 है। पहले का में 2:3 है, दूसरा में 1:4 है, तीसरा में 5:6 है। आपका दिया हुआ है, आपका 2:3 दिया हुआ है, 1:4 दिया हुआ, 5:6 है। कहता है ये तीनों को एक ही बर्तन में डाल देने से उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अब तीनों को एक ही बर्तन में हम डाल देते हैं तो इसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। जो देखिएगा पहला में दूध होगा 2, मिश्रण होगा 3 × 2 = 5। दूसरा में दूध होगा 1, मिश्रण होगा 4 × 1 = 5। इसमें दूध होगा 5, मिश्रण होगा 6 × 5 = 11। ये हो गया दूध का। उसी प्रकार से आइए पानी का हम निकालते हैं। इसमें पानी होगा 3, मिश्रण होगा 2, 3 × 2। पानी होगा 4, मिश्रण होगा 4 × 5। पानी होगा 6, मिश्रण होगा 6 × 5 = 11। चलिए यहाँ पे दूध था 2, मिश्रण हो गया 5, दूध है 1, मिश्रण हो गया 5, दूध है 5, मिश्रण हो गया 6 × 5 = 11। पानी होगा 3, मिश्रण होगा 3 × 2 = 5। पानी होगा 4, मिश्रण होगा 4 × 5। पानी होगा 6, मिश्रण होगा 6 × 5 = 11। 5 × 5 = 11 का एलसीएम हो जाएगा 55। तो यहाँ पर 11 × 11 = 22 प्लस 11 प्लस 25 अनुपात 5 × 5 = 11 का हो गया 55। 11 × 3 = 33, 11 × 4 = 44, 6 × 5 = 30। ये 55 से 55 काट लीजिएगा, देख लीजिएगा कहीं पे गलत नहीं हो रहा। 11 × 33 = 25 हो गया 58। 33 और 25 हो जाएगा हमारा 58। और यहाँ पर हो जाएगा 33 और 30 हो गया 63। 63 और 40 = 103 और 107 हो जाएगा। 58 अनुपात 107 हो जाएगा। कह रहा था ए बी सी तीन समान धारिता वाले में 2:3, 1:4, 5 × 5 = 6 है। अब तीनों को एक ही बर्तन में जब डाल देंगे तो दूध हो जाएगा 58 लीटर, तो पानी हो जाएगा 107 लीटर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से और क्वेश्चन अगला लेकर चलते हैं। चलिए तीन वाले में हम अगला भी प्रश्न लेकर चलते हैं, आपके सामने आ चुका। कहता तीन बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2, 3:1 और 4:3 दिया हुआ। कहता तीनों को एक ही बर्तन में डाल देने से उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होता है निकाल लीजिए। पहला में दूध हो जाएगा 3 लीटर, मिश्रण हो जाएगा 3 × 2 = 5। इसमें हो जाएगा 3, मिश्रण हो जाएगा 3 × 1 = 4। इसमें हो जाएगा 4, मिश्रण हो जाएगा 4 × 3 = 7 अनुपात। दूध पानी हो जाएगा 2, मिश्रण हो जाएगा 3 × 2 = 5। पानी हो जाएगा 1, मिश्रण हो जाएगा 3 × 1 = 4। पानी हो जाएगा आपका 3, मिश्रण हो जाएगा 4 × 3 = 7। अब यहाँ पर वही चीज का सॉल्यूशन अगर यहाँ पर आप करते हैं तो यहाँ पर से एलसीएम वगैरह सब लीजिए, कितना आएगा 5, 4 और 20 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 140। 140 हो जाएगा 28 × 5 = 84 प्लस यहाँ पर जाएगा कितना बार में 35 × 4 तो 35 × 4 = 105। 20 बार में तो 20 × 4 = 80 अनुपात यहाँ भी हो जाएगा 140। फिर 5 से काट देंगे तो हो जाएगा 28 × 56। फिर यहाँ हो जाएगा 35 बार तो 35 × 35 अब 20 दिया हो जाएगा 60। यहाँ से यहाँ तक कट गया। अब जोड़ जा करके लिख दीजिए जो आंसर आ जाएगा 5, 4, 9, 8, 8, 16, 10, 26 अनुपात। यहाँ पर 6, 5, 11, 5, 6, 5, 11, 3, 14, 1, 15 यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ज्यादा इसमें कुछ नहीं, इस प्रकार के जो प्रश्न में बस इसी प्रकार से काम करना है। अगला जो प्रश्न है आपका उसमें थोड़ा सा अगर चेंजिंग है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं है,
बस यही सब चीज है, लेकिन फिर भी उसको हम बता देने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं। ये क्लास आपको कैसा लग रहा आप मुझे कमेंट करके बताइए। और आपके सामने हम अगला प्रश्न लेकर आ गए हैं। कह रहा है एक दो गिलास है जी, जिसमें दूध जो है दूध से क्रमशः भरा हुआ है। पहला गिलास है 2/3 भाग भरा हुआ है, दूसरा गिलास है 3/4 भाग भरा हुआ है, और जितना भाग भरा हुआ है कदा रिक्त भाग को पानी से भर दिया जाए। देखिएगा 2/3 भाग भरा हुआ है और रिक्त भाग को पानी से भर दिया जाए और तीसरे ग्लास में डाल देते हैं, तब जाके इसमें कहता दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। कोई बात नहीं है, देखिएगा दूध 2/3 भाग भरा हुआ मतलब दूध और पानी का अनुपात हो जाएगा 2:1, क्योंकि ये दोनों का अंतर जो आएगा वही हो जाएगा पानी। यहाँ पर हो जाएगा कितना 3:4, सॉरी 3:1 हो जाएगा, जो अंतर आएगा वही हो जाएगा पानी हो जाएगा। बस बाकी वही मेथड लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 2/3 और प्लस 3/4 अनुपात 1/3 प्लस 1/4, 4 × 8 3 × 6 8 6 14 अनुपात 4 × 3 7 7 × 14 = 2:1 4 × 8 3 × 9 8 × 9 कितना हो गया 17 हो गया, अनुपात 4 × 3 7 यही हमारा हो जाएगा। तो आज देख लीजिएगा यहाँ पर जो आज हम बताएंगे कि दो गिलास में दूध और पानी 2/3 भाग, मतलब पहला जो गिलास है उसमें 2/3 भाग पानी दूध से भरा हुआ है, तो दूध हो जाएगा 2 और पानी हो जाएगा 3 में से 2 किया तो 1। उसी प्रकार से दूसरा गिलास में दूध हो जाएगा 3 और पानी जो हो जाएगा 4 में से 3 का जो अंतर आएगा वही हो जाएगा। तो कह रहा है यहाँ पर देखिएगा दूध हो जाएगा 2/3, यहाँ पर दूध हो जाएगा 3/4, यहाँ पर पानी हो जाएगा 1/2 1 3 और यहाँ पर पानी हो जाएगा 1/3 1 4, यहाँ पे 4 × 8 3 × 9 9 8 17, यहाँ 4 × 4 3 × 3 4 × 3 7 मतलब 17:7 हो जाएगा। ये तीसरे बर्तन में आपको डाल देने से इसका दूध और पानी का अनुपात है। तो आज का क्लास बस इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा आज का क्लास नहीं चलेगा। आपको यह क्लास कैसा लगा है, आपका यह चैप्टर कैसा लगा है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। हाँ, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सर्वप्रथम सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आप अपना नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता हुआ रहेगा। इसी पे मैथ रीजनिंग का अभी फिलहाल क्लास चालू है, तो क्लास आपको मिलता ही रहेगा। चलिए आज का क्लास इतना ही रहेगा। आगे किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं कि जो क्वेश्चन नहीं बनता है। इससे ज़्यादा नहीं, आपको कैसा लगा जरूर लाइक करके कमेंट करके बताइएगा। चलिए ठीक, थैंक यू।